राम राम दोस्तों, मैं मोहित यात्री स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कैसे और आप सब? बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। और भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा होगा तो भाई जैसा अपना 20 घंटे का सफ़र रहने वाला है स्लीपर में, और 20 घंटे का सफ़र रहने वाला है भाई जर्नल में। और अभी ना टीटी भैया आए थे, वो टिकट देखने लगे। हमारी टिकट है बिलासपुर तक की, तो हमने उनसे पूछा भी था हमें आगे बिलासपुर से दिल्ली तक की टिकट मिल जाएगी क्या। उन्होंने कहा भाई जब बिलासपुर आएगा तो एक बार आप मुझसे मिल लेना, अगर टिकट होगी तो मैं आपको बता दूंगा भाई। और अभी ना भाई मुझे तगड़े वाला जुकाम हो चुका है भाई, बहुत भयंकर। आप देख रहे हो ना, छींके पे छींके आ जा रही है, 150 से 200 छींके मार चुका हूँ मैं। और भाई पता है अभी पता नहीं है कौन सा स्टेशन आ गया है, पता नहीं चल रहा है। रात को ना भाई जल्दी सो गए थे हम लोग, और वीडियो सुबह एडिट करी ना भाई, सुबह 6 बजे से वीडियो अपलोडिंग पर लगाई और जाके ना 11 बजे अपलोड हुई। आपको पता ही है भाई, ट्रेन में नेट बहुत ज़्यादा कम चलता है यार, बहुत स्लो चलता है। और अभी पता नहीं कौन सा स्टेशन आया कौन सा नहीं भाई। और अपने 2000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं भाई कल ही रात में। अंकुश भाई सो गए थे, उनको अभी पता नहीं है, मैंने उनको बताया नहीं है, सो रहे थे तो मैंने उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया, तो अभी उनको जाके बताएंगे। और बाहर भाई सच में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और सुबह से ना ऐसे मतलब गुम टाइप बना हुआ था कि बारिश होगी तगड़ी वाली, फाइनली आई गई। कैमरे में पता नहीं कैसी दिख रही है, पर रियलिटी में ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है। लो भाई आ गया अपना खाना, इतनी देर बाद, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, ऑर्डर काफी देर पहले दिया गया था हमने। और भाई अभी पहुंच चुके हैं बिलासपुर। यहाँ देखो भाई कितनी भयंकर वाली बारिश आ रही है भाई, बहुत ताबड़तोड़। ये देखो भाई, ओहो भाई, अभी हम लोग ना जा रहे हैं जर्नल, मतलब देखने के लिए जर्नल में भीड़ कितनी है अभी, क्योंकि आपको पता ही है अभी टीटी भाई साहब जी से बात करी हम लोगों ने, और हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करी थी। अभी देख के आते हैं कि वहाँ पे सीट खाली है या नहीं, मतलब कैसा हाल है जर्नल का अभी, तो चलते यार अभी देखने। अभी आ रही है भाई टीवी वाली थी। Thank you.
भी खाली नहीं है सर। और भाई लोग अभी आ चुके हैं जनरल वाले डिब्बे के अंदर और जनरल की हालत आपको दिखाता हूँ कैसी है। और पूरी रात हमें जग के जाना पड़ेगा, दिन में तो हम सो लिए थे, अगर नहीं जगे ना हमारा फ़ोन और कैमरा चोरी हो जाना है। चलो तर जनरल के डब्बे दिखाता हूँ आपको। सारे डिब्बे ऐसे भरे होंगे मेरे अभी हम लोगों ने ना टीटी भाई साहब से पूछा था क्या सीट मिल सकती है कि मतलब निजामुद्दीन तक हमें जाना है, वहाँ तक दिल्ली तक। तो सीन क्या हुआ भाई, कहीं भी सीट खाली नहीं है, हमें जनरल में ही जाना पड़ा। अभी जनरल में जाके चेक करेंगे सीट है भी हम वहाँ पे या नहीं। भाई जनरल में हालत बहुत बुरी होने वाली है, शुक्र है वो तो हम दिन में सो गए थे और रात को अब जग के जाना पड़ेगा भाई। कहीं भी सीट खाली नहीं मिली भाई, एसी तक के लिए भी हमने पूछा, वहाँ पे भी खाली नहीं है भाई। पान खा के यहाँ पे हाथ धोने जाते हैं ना, वो भी कलर ही चेंज हो गया उसका भाई। और मैंने ना अंदर प्रसाद भी रखा है, वो 4 किलो खाजा लेके रखा है ना। तो भाई जी मथुरा तक जा रहे हैं, इनके भरोसे ही छोड़ के जा रहे हैं। भाई को बोला कि जब हमें सीट मिलेंगी ना हम वापिस आके सामान ले लेंगे, तब तक ना आप ध्यान रखो क्योंकि हमें ना आगे पीछे भटकना पड़ रहा है, इतना सारा सामान आगे पीछे लेके नहीं जा सकते है ना। ठीक है भाई जी, ध्यान रखना मथुरा तक, जैसे हमें सीट मिलेगी ना हम वापिस ले लेंगे। मेन चीज है वो श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद है भाई, वो मोहल्ले में बांटना है खाजा खाजा। एंड वो देखो भाई जो जनरल की हालत है माँ कसम, पता नहीं कैमरे में कैसा दिख रहा होगा, ये वो बंदे हैं जो मतलब गेट के पास खड़े हैं। और इधर वाली साइड चेकआउट करो, मतलब पूरा का पूरा खाली है भाई। तभी लोग बोलते हैं मेहनत करो भाई, ये और वो वाली जगह ना हमारा स्टेटस बता रही है जिंदगी का, हमने कितनी मेहनत करी है ना। जनरल में तो ऐसी हालत, गुटखा थूक के फेंक रखा है भाई, वहीं लोग बैठे हैं। मुझे डर था कोई मुंह के ऊपर ना थूक दे भाई इमरजेंसी में सची। अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी मैं जा रहा हूँ एसी वाले डिपार्टमेंट में टीटी भाई, और टीटी भाई साहब से पता करने के लिए कि हमें वहाँ पे एसी वाले में सीट मिल सकती है क्या। भाई जनरल में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, आपने देखा ना लोगों ने ऐसी गुटखा थूक रखा है, इधर उधर फेंक रखा है, बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा सीन है यहाँ पर। तो भाई एक सेकेंड तक जा ही नहीं पाएंगे, तो टीटी भाई साहब पर पूछते हैं, उससे बात करते हैं कि वहाँ पे सीट खाली है क्या नहीं। अभी मैंने टीटी भाई साहब से पूछा था कि सीट खाली है एसी वाले में, तो उन्होंने बताया भाई कहाँ तक जाना है आपको, मैंने उनको बताया दिल्ली तक जाना है, बोले एक भी सीट खाली नहीं है, आर एसी है सारी की सारी, मतलब फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, सब आर एसी बनी हुई है। आर एसी मतलब एक सीट पे भाई दो बंदे बैठ के जा रहे हैं, मतलब एसी वाले में भी भाई इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, मतलब क्या बताऊँ। देखते हैं भाई हमारी रात कैसे गुजरने वाली है। भाई जो खाने वाले भैया थे ना, जो IRCTC में मतलब ऑर्डर लेके आते हैं खाने के लिए, पूछते हैं, तो वो आए थे, हम वहाँ पे साइड में बैठे हुए थे गेट के पास, तो पूछ रहे थे कि आप आज खाना नहीं लोगे, हम 2-3 दिन से खाना ले रहे थे ना। तो हमने बताया उनको कि हमारे जो स्लीपर की टिकट थी वो बिलासपुर तक की थी, जर्नल में आप हमें कहाँ ढूंढोगे। तो उन्होंने बोला कि ना आप हमारे जो फैंटी है ना जहाँ खाना बनता है, एसी वाले डिपार्टमेंट में आ जाना, आराम से वहाँ पे आके खा लेना। तो भाई किस्मत देखो भाई, जर्नल से सीधा एसी वाले डिपार्टमेंट में सिर्फ खाने के लिए जाना पड़ेगा हमें। बाकी उनसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे क्या हम यहाँ पे बैठ के जा सकते हैं, वैसे तो मुश्किल ही है भाई।